असलम स्टूडेंट्स आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और लेक्चर्स को अच्छे से समझ रहे होंगे तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कॉन्वर्सेशन एनालिसिस इश्यूज इन कॉन्वर्सेशन एनालिसिस जैसे कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कॉन्वर्सेशन एनालिसिस के ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने किया था आज हम इशूज़ करेंगे कॉन्वर्सेशन एनालिसिस के दौरान जिन चैलेंजस का एक कॉन्वर्सेशन एनालिस को सामना करना पड़ता है बिकॉज जितना ये सिंपल लगता है ना कि आपने कॉन्वर्सेशंस को डेली टॉक को ऑर्डनरी टॉक को एनालाइज़ करना है उतना ये सिंपल है नहीं तो जो चीज़ ज़्यादा सिंपल लगती हो और हकीकता वह बहुत ज़्यादा मुश्किल हो तो उसके अंदर बहुत से चैलेंजेस होते हैं जो कि हिडन होते हैं तो चैलेंज नंबर वन या इशू नंबर वन क्या है अ की इशू इन कॉन्वर्सेशन एनालिसिस इज़ द व्यू ऑफ ऑर्डिनरी कॉन्वर्सेशन एज़ द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ टॉक ठीक है कि इशू सबसे ज़्यादा क्या आता है कॉन्वर्सेशन एनालिसिस में कि लोग ये समझते हैं कि ऑर्डनरी कॉन्वर्सेशन जो है वो बेसिक फॉर्म है बात करने की यानी बहुत बेसिक होती है हालांकि ऐसा नहीं है उसमें तमाम तरह टेक्टिक्स और टिप्स यूज हुए हुए होते हैं फॉर कॉन्वर्सेशन एनालिस्ट कॉन्वर्सेशन इज़ द मेन वे इन विच पीपल कम टुगेदर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन नेगोशिएट एंड मेंटेन सोशल रिलेशंस तो ये इतना बेसिक नहीं है वो ये कह रहे हैं कि कॉन्वर्सेशन एनालिस्ट के लिए कॉन्वर्सेशन ही एक वो रास्ता है जिससे वो ये तमाम चीज़ों का पता चला सकता है कि कैसे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है नगोशिएशन कैसे हो रही है सोशल रिलेशनशिप्स कैसे बनाए जा रहे हैं तो ये कोई इतनी ऑर्डनरी और बेसिक फॉर्म नहीं होती टॉक की कि जिसको आप इतना ईजीली एनालाइज़ कर सको ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ टॉक इन इंटरेक्शन आर दस डेराव फ्रॉम द बेसिक फॉर्म ऑफ टॉक तो वो कहते हैं कि जो बेसिक फॉर्म ऑफ टॉक है ना तमाम तर जितनी भी आगे टॉक इन इंटरैक्शन है वेदर यूर टॉक विद अ डॉक्टर वैदर यू आर टॉकिंग विद अ शॉप कीपर टॉकिंग विद योर फ्रेंड फैमिली मेम्बर टीचर वो बेसिक फॉर्म ऑफ टॉक से ही डेराइव होती हैं यानी इसको इतना सिंपल नहीं लेना चाहिए कि बेसिक फॉर्म ऑफ टॉक पता नहीं किया है उसी से फिर आगे तमाम तर जो तरीके हैं बिकॉज बेसिक फॉर्म ऑफ टॉक क्या है कि आप टर्न टेकिंग देते हो आप सबसे पहले ग्रीटिंग करते हो आप अपना मुद्दा बताते हो दूसरा अपनी बात करता है इट इज़ नॉट द केस दैट अदर फॉर्म्स ऑफ टॉक्स आर द सेम एज ऑर्डिनरी कॉन्वर्सेशन अब जाहिर है डिफरेंसेस तो होंगे बिल्कुल सेम तो नहीं होगा ये तो अंडरस्टूड बात है और दे डू हाव एक्सप्लॉयड द सेम काइंड ऑफ रिसोर्स एड ऑर्डिनरी कॉन्वर्सेशन टू अचीव सोशल इंटरेक्शनल गोल्स तो रिसोर्स तो वही है ना हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास वोकेबली है हमारे पास जो है ग्रीटिंग्स हैं हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो है हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं इंटोनेशन क्रिएट करते हैं पॉजिज़ लेते हैं तो वो तो तमाम रिसोर्स या टेक्निक्स जो हैं हमारे पास वो सेम ही हैं लेकिन यहाँ पर अब बेसिकली इशू क्या है इन सब बातें बताने का मकसद ये है कि एक कॉन्वर्सेशन एनालिस्ट को इतनी छोटी 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 बारीक चीज़ों को देखना पड़ता है विच इज़ एन इशू सेल्फ जो कि बहुत बड़ा एक इशू है और सबसे बड़ा इशू ये है कि वो कॉन ऑर्डनरी कॉन्वर्सेशन को बेसिक फॉर्म ऑफ टॉक समझ बैठना या वो समझना कि इसमें ऐसा क्या एनालिसिस uh, करने के लिए हमारे पास मौजूद है और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिन पे एक कॉन्वर्सेशन एनालिस्ट को तोज्जा देना पड़ती है विच इज़ इट सेल्फ अ चैलेंज इशू नंबर टू क्या है जी अ फर्दर की फीचर ऑफ़ कॉन्वर्सेशन एनालिसिस द प्राइमेसी ऑफ द डाटा एज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिसिस दस डो नॉट इनकॉर्पोरेट स्पीकर रिफ्लेक्शन ऑन देर इंटरेक्शन अब दूसरा बेसिक इशू क्या है कि आप डेटा मेंटेन करते हो विद टेप रिकॉर्डर्स और वीडियो रिकॉर्डिंग्स और आपके पास प्राइमेसी ऑफ डेटा होता है यानी डेटा ही को आप प्राइमेसी दे रहे होते हो या उसी को प्रायोरिटी देते हुए आप एनालिसिस कर रहे होते हो एनालिसिस <coughs> के अंदर स्पीकर अपनी की हुई बात के बारे में क्या राय रखता है उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता कि स्पीकर ख़ुद से किस नीयत से वो बात कर रहा है बिकॉज़ आप स्पीकर से जाके रिकॉर्डिंग्स तो ले आते हो या रिकॉर्डिंग्स कंपाइल कर लेते हो लेकिन स्पीकर अपनी की हुई बात के बारे में क्या राय रखते हैं अब वो इकट्ठा नहीं कर पाते फील्ड नोट्स और इंटरव्यूजर्स वेज़ ऑफ गैदरिंग इंफॉमेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप फील्ड नोट्स ले सकते हो इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हो लेकिन स्पीकर ऐसी क्या क्यों ऐसे बात कर रहा है उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू अपनी बात के बारे में रिफ्लेक्शन है अपनी थॉट्स क्या हैं अपनी बात किए के बारे में वो आप कलेक्ट नहीं कर पाते विच इज़ इट सेल्फ एन इशू एंड अ चैलेंज बिकॉज उसके बिना अंडरस्टैंड करना उसके पॉइंट ऑफ व्यू को उसकी टेक्टिक्स को बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉर अ कॉन्वर्जेसन एनालिस्ट सेकेंड क्या है इन द व्यू ऑफ कॉन्वर्सेशन एना द यूज़ ऑफ़ दिस काइंड ऑफ डेटा रिप्रेजेंट्स आइडियलाइजेशन अबाउट हॉट स्पोकन डिस्कोर्स वर्क एंड इज़ नॉट वैलिड डाटा ज़ाहिर है फिर वो उस तरह से वैलिड डेटा नहीं रहता है कॉन्वर्सेशन एनालिसिस दस फोकस ऑन ऑफ दिस फॉर इट्स आर्ग्यूमेंटेशन एंड एक्सप्लेन रादर दैन कंसिड्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल और अदर फैक्टर्स जो हैं या प्रोडक्शन और इंटरप्रटेशन ऑफ डिस्कोर्स के दौरान जो भी प्रोसेस हुए हैं वो मिस हो जाते हैं और आपके पास आ जाके आर्गमेंट करने के लिए वो टेक्स्ट रह जाता है जिसको आपने डोनेशन कर ली है ट्रांसक्राइब कर लिया है और वो एक इनकम्प्लीट सा <coughs> जो है ना रिसर्च रह जाती है बिकॉज आपके पास साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव स्पीकर के नहीं होते हैं इशू नंबर थ्री क्या है वन ऑफ़ द एम्स ऑफ कॉन्वर्सेशन टू अवॉइड स्टार्टिंग विद विद्पशन अबाउट एनालिटिकल कैटेगरीज इन द एनालिसिस ऑफ़ कॉन्वर्सेशनल डाटा ठीक है अवॉइड करना पड़ता है पहले से मौजूद एजम्शंस को ठीक हो गया कॉन्वर्सेशन एनालिस्ट रादर लुक फॉर फिनोमिना विच रेगुलरली अकल इन द डेटा एंड देन मेक दैट पॉइंट ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो कुछ पॉइंट्स को निकाल लेता है कॉन्वर्सेशन एनालिस्ट के ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं ये चीज़ें ये फिनोमिनाजियाँ ये जो टेक्टिक्स हैं रिपीट हो रहे हैं स्पीकर्स के द्वारा स्पीकर्स इनको रिपीट कर रहे हैं तो वो उन पर रिसर्च स्टार्ट कर देता है इंटरेस्ट इज़ इन पर्टिकुलर इन फाइन ट्यून्ड एनालिसिस ऑफ द सीक्वेंस स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस ऑफ एस कॉन्वर्सेशन तो वो बहुत लिमिटेड सा रह जाता है इशू नंबर फोर क्या है इन दिस व्यू कॉन्वर्सेशन इज सीन एज बींग कॉन्टेक्स्ट शेप्ड एंड कॉन्टेक्स्ट रिन्यूइंग

किस तरह से कॉन्टेक्ट को मैनिपुलेट कर रहे हैं यूजिंग कॉन्वर्सेशनल रादर देन कॉन्टेक्चुअल डेटा एज द सोर्स फॉर इट क्लेम इट विच इज टू मेक अब डेटा उसके पास कॉन्वर्सेशनल है लेकिन एनालिसिस जो है वो कॉन्टेक्चुअल कर रहा है तो वो एक सेल्फ इशू बन जाता है फॉर द कॉन्वर्सेशनल एनालिस दिस वॉज ऑल टूडे इन दिस वीडियो लेक्चर छोटा सा ये लेक्चर था और जो इशूज़ कॉन्वर्सेशनल एनालिस्ट को कॉन्वर्सेशन एनालिस्ट को फेस करने पड़ते हैं उसी के बारे में ये डिस्कशन थी दिस वॉज ऑल टूडे आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड डोम फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू हैव ऑलरेडी थैंक यू अल्लाह हाफिज़